नमस्कार दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यारह नोटिफिकेशन के बारे में इग्नू के जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय करंट टाइम में तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन प्रेस करें इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से कंप्लीट देख लीजिएगा जो भी एक्टिविटी आपसे परटेन करती हो उसको इन टाइम जरूर कंप्लीट कर लें और इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनके पास भी ये नोटिफिकेशन जो भी अभी करंट में चल रही हैं पहुंच पाए और वो इन टाइम अपना भी कोर्स एक्टिविटी जो है कंप्लीट कर सके तो दोस्तों चलिए पहले अपडेट पे चलते हैं पहले अपडेट पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जैसे कि पहले भी बताता हूँ रीजनल सेंटर की वेबसाइट को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम इस टाइम पे तो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है जैसे बी सी एम सी एम ए पी सी एम ए साइकोलॉजी जिसको आप बोलते हो बी एस आइकोलॉजी की जितने भी प्रैक्टिकल लैब सी पी एल टी वगैरह जितने भी लैब या प्रैक्टिकल बेस्ड ओल्ड पैटर्न बी एस सी हो गए जैसे कि रजिस्ट्रेशन शुरू है गूगल मीट के थ्रू वाई बाी सी एम सी का चल रहा है सभी अपने आप, रीजनल सेंटर एक्टिव है वो अपना वेबसाइट पर डाल रहे हैं जैसे कि मैं आप दिखा दूँ पटना रीजनल सेंटर पर आप जाएंगे पटना रीजनल सेंटर ने अभी आज की डेट में ही वाइबा का एक डेट निकाला है बी के लिए यहाँ पे क्लिक करके ये शेड्यूल जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जारी कर दिया है उन्होंने तो दोस्तों ऐसे सभी रीजनल सेंटर जो भी जिस भी रीजन का है वो अपना रीजनल सेंटर जरूर देखते रहे बहुत ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है अपने रीजनल सेंटर को वॉच करना तो यहाँ सारे रीजनल सेंटर की लिस्ट है उनका वेबसाइट है आपको पता ही होगा आप किस रीजनल सेंटर में एनरोल्ड है वहाँ वेबसाइट पर जाएँ और उनकी अपडेट्स को देखें और होम पेज जो इग्नू का मेन वेबसाइट है उसको भी देखते रहे क्योंकि जल्द ही इस पर बहुत सारे नोटिफिकेशन और आने वाले हैं मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा बहरहाल लेकिन आप भी देखते रहिए क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड जितने भी जो ही बी सी एम सी वगैरह जो भी हैं ओल्ड बी एस सी के बटन सब इसमें इसमें डाले जा रहे हैं वेबसाइट पे ठीक है आप देखते रहिए नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट दोस्तों है आज एक और अपडेट आई है दिसंबर 2020 टर्म एंड रिजल्ट के लिए जैसा कि आपको पता है एग्जाम अभी चल रहे हैं और जो भी एग्जाम होते जा रहे हैं वो मिनिमम सेवन डेज बाद या दस दिन बाद या पंद्रह दिन बाद हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लेट में आ रहे हैं लेकिन जल्दी जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं क्योंकि इस सेशन को जल्दी से खत्म करना है और नया सेशन अभी जैसे कि एडमिशन भी चल रहा है और इसके बाद नया सेशन भी शुरू होगा और जो कोविड नाइन्टीन की वजह से जो भी इधर उधर हुई हैं सारी डेट्स वगैरह सब पैरल हो सके तो आप ना रिजल्ट यहाँ देखते रहिए बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा अगर आप नहीं हुआ तो कंटिन्यूसली चेक करते रहिए आपका रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जैसे कि आपको असाइनमेंट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी परेशान है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो जून ट्वेंटी ट्वेंटी का असाइनमेंट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो मैं इनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा अपने रीजनल सेंटर से ज्यादा अप्रोच करें अपने रीजनल सेंटर को ज़्यादा से ज्यादा ईमेल करें हो सके तो वहाँ पे विजिट करें विजिट करने के बाद जो भी आपके पास प्रूफ हो आपका जो भी रिसीविंग वगैरह हो या हार्ड कॉपी लेके जाएं जो आपने ऑलरेडी ऑनलाइन सबमिट किया है ले जाके वहाँ पे उनसे मार्क्स सेंड करने के लिए बोले हेडक्वार्टर में ताकि आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो सके अगर अभी तक नहीं आए बाकी जो रीजनल सेंटर पे आपने जो भी करेंट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए सबमिट किया है तो वो थोड़ा सा और वेट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के बाद और भी स्पीड से जो है असाइनमेंट स्टेटस अपडेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजनेस चल रहा है बिज़ी है स्टूडेंट जो है रीजनल सेंटर वाले क्योंकि एग्जाम भी हो रहे हैं और इवेल्युशन भी साथ चल रहा है तो इसलिए स्लो प्रोसेस में है आ रहे हैं रिजल्ट असाइनमेंट के भी अपडेट हो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा स्लो है तो इसके बाद जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा होगा आपना स्टेटस यहाँ जरूर चेक करते रहें नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आपका री re रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट था वो फिफ्टीन मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया था आप कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना मिस होने पाए जो प्रमोट हो रहे हैं वो अपना री रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें और जिनका ड्यूरेशन है प्रोमो जो भी एलिजिबल है स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन के लिए जरूर करवा लें इसको बिल्कुल मस मिस किया करिए क्योंकि इसमें सिक्स मंथ का आपका लॉस हो जाता है बाद में भले आप एग्जाम देते रहिए लेकिन अपना इसको री रजिस्ट्रेशन को इन ड्यूरेशन आप इन टाइम कंप्लीट जरूर कर लिया करें तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप देख के कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं नेक्स्ट अपडेट दोस्तों फ्रेश एडमिशन को लेकर फिर इसकी भी डेट पंद्रह मार्च तक एक्सटेंड की गई है इसके साथ ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जो भी सोलह प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी डेट एक्सटेंड की गई है मार्च तक और जो 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 ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते थे उनको अब फ्लिप है पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन कर दिया गया है मेरिट यहीं पे बन, बनाई जाएगी फिर आपको जो भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसको उसके लिए उसके पास ईमेल जाएगा उसको फिर पेमेंट करने पड़ेगा फुल पेमेंट वो भी ऑनलाइन अभी चल रहा है इसकी भी लास्ट डेट पंद्रह मार्च रखी गई है तो आप जो भी स्टूडेंट अभी एडमिशन लेना चाहते हैं एडमिशन ले लें क्योंकि तो हो सकता है इसके बाद अगर डेट एक्सटेंड भी हुई तो बी से सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम्स की डेट एक्सटेंड नहीं होगी केवल तो ईयरली वाइज प्रोग्राम्स की डेट एक्सटेंड की जाएगी ठीक है तो ये लास्ट डेट मान के अपना जो है एडमिशन कम्प्लीट कर लें नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत दिन से बहुत सारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जो है बी प्रोग्राम के लिए या मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए एम में और इसके साथ साथ बी नर्सिंग के स्टूडेंट परेशान थे कि उनका नोट क्योंकि पिछले सेशन में भी नहीं आया था ये है फॉर्म इनका एम का वहरल आया था लेकिन बी का नहीं आया था बी नर्सिंग का नहीं आया तो अब उसका नोटिफिकेशन आ चुका है जिसकी लास्ट डेट जो है एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने की बीस मार्च रखी गई है क्योंकि बहुत कम समय के लिए निकाला गया है क्योंकि ये सेशन अभी जा रहा है क्योंकि ये जो भी आया है वो जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन सेशन के लिए आया है इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं इसको ताकि जल्दी से बाइंड अप करके एडमिशन दे दिया जाए और ये सब चीज़ पैरल हो सके तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है एलिजिबिलिटी सेम वही है जो है मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए मैं एलिजिबिलिटी थोड़ा सा बता दूँ मास्टर बैचलर में आपका फिफ्टी परसेंट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं ठीक है सॉरी बैचलर में फिफ्टी परसेंट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से अदर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो फोर्टी फाइव परसेंट है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे एडमिशन हो जाएगा जो इसमें पीजी डिप्लोमा है उसमें डायरेक्ट एडमिशन है एलिजिबिलिटी सेम ही, ही रहेगी लेकिन इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता डायरेक्ट एडमिशन अभी चल रहा है ले सकते हैं ठीक है और बी एड स्टूडेंट्स के लिए अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आपका फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना चाहिए ठीक है अगर आपने बैचलर डिग्री आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में की है किसी भी स्पेशलाइजेशन में टेक्नोलॉजी में तो आपका फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स होना चाहिए उसके साथ साथ क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग के कराया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं यहाँ के बी एड के लिए क्योंकि दोस्तों इग्नू बी डिस्टेंस लर्निंग में कराती है रेगुलर में नहीं कराती इसके जो एन सी के गाइडलाइन काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इसलिए आप बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसमें यह सिंपल ग्रेजुएसन या मास्टर के बाद आप यहाँ से बी नहीं कर सकते इस चीज़ को आप भूल जाइए अगर आपके पास कोई टीचिंग फील्ड का डिप्लोमा नहीं है पहले समझ लीजिए अगर आपके पास टीचिंग फील्ड का जैसे कि जे बी टी टी डाइट वगैरह जो डी वगैरह होता है ये अगर डिप्लोमा रेगुलर मोड में रेगुलर मोड में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं रेगुलर मोड में एन सी अप्रूव अगर डिप्लोमा नहीं है तो इग्नू से बी करने के लिए आप बोल जाइए वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए कन्फ्यूज़ होते हैं कि, कि उनको टीचिंग फील्ड का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस है तो दोस्तों एक्सपीरियंस अब हटा दिया गया है काफ़ी पहले से ही एनसीटी ने सारा गाइडलाइन एक्वायर कर लिया है अब टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ मायने नहीं रखता डिप्लोमा मायने रखता है अगर आपके पास टीचिंग फील्ड का डिप्लोमा है बैचलर के साथ साथ देन आप यहाँ से बी कर पाओगे अदरवाइज नहीं कर पाओगे रिलैक्सेशन जैसा कि पाँच परसेंट दिया जाता है सी एस टी स्टूडेंट के लिए ओ बी सी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ठीक है सेम वैसे ही है और जो है बी एस सी नर्सिंग का भी एलिजिबिलिटी सेम वही है कोई चेंजेस नहीं है इसमें तीन ईयर तीन साल का रहेगा मैक्सिमम फाइव ईयर का रहेगा और जो आर एन एम या जी एन एम में रजिस्टर्ड हों और वर्किंग हो टू ईयर्स का कम से कम टू ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के बाद देन वो कर पाएंगे या फिर ये हो एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है आप पढ़ ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आगे मैं बता दूंगा इनके जो है कॉर्डिनेटर है उनसे कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हैं नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जो है बी एड को ले इन्हीं नोटिफिकेशन को लेके है इनका तीनों का नोटिफिकेशन और लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है प्रोस्पेक्टिस के साथ में यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए और जो पोर्टल है ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी के पोर्टल में अभी तक सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी सात हज़ार दो सौ चौंतीस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इनके और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है फॉर्म भरने का आप भर लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या फिर दिए गए नंबर्स पर जो है इन पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं ठीक है थीके? और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मैं भी आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा यूजर मैनुअल दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो मैनुअल एक डाउनलोड हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है पूरा आपको डिटेल इसमें मिल जाएगा नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों ओपन मेट एम बी के लिए ही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें भी अभी लगभग दो तक एडमिशन हो चुके हैं इसकी भी लास्ट डेट ट्वेंटी है इसमें भी पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल दिया है सेम वो इसी प्रोसेस से किया जाएगा जो भी है ठीक है जो भी प्रकार प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या फिर इनके दिए गए नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं ठीक है और जो आपका बीएससी नर्सिंग में और भी डिटेल में जानना है तो यहाँ देखिए इनका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल वगैरह दिया है यहां से आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं ईमेल भी कर सकते हैं आपकी पूरी हेल्प मिलेगी इसका जो है रजिस्ट्रेशन सामर्थ पोर्टल के थ्रू हो रहा है इन दोनों का रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है जो है इग्नू इग्नू के पोर्टल के थ्रू ये सामर्थ पोर्टल के थ्रू हो रहा है सबका जो है रजिस्ट्रेशन फीस वन थाउजेंड रुपीज है ठीक है सबका रजिस्ट्रेशन फीस इंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन चार हजार रुपए है और एक चीज़ मैं मिस कर गया मैं आपको बता दूं जो है बैचलर डिग्री जो है बीएड का फीस जो है फीस इसमें इस बार बढ़ाया गया है जो फीस है उसकी पचपन हजार कर दी गई है फिफ्टी फाइव थाउजेंड बस यही था अपडेट दोस्तों और जो लास्ट अपडेट है वो असाइनमेंट को लेकर असाइनमेंट काफी ज्यादा अपडेट हो गए हैं बीए वगैरह के भी असाइनमेंट अपडेट हो रहे हैं तो ये सारा लिस्ट बीएससी जो है बीए का ऑनर्स का और जनरल का यहाँ अपडेट कर दिया गया है, है। यहाँ पे आप डाउनलोड करते रहिए अपडेट होता रहा है असाइनमेंट होता जाएगा आप यहाँ से डाउनलोड करके बनाते जाइए और नोटिफिकेशन का इंतजार करिए कैसे असाइनमेंट आपको सबमिट करना है आ जाएगा वेबसाइट पर मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा बस यही था अपडेट दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट